नमस्कार दोस्तों, आज अर्जुन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चने की दाल की चटनी बना रही हूँ जो काफी टेस्टी है। इसे आप इडली और डोसे के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सामग्री ये है जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं एक छोटी गिलास चने की दाल ली हूँ और उसमें तड़के के लिए मैं लहसुन ली हूँ और हरी लाल मिर्च ली हूँ और मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल ली हूँ और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए मैं ये तड़के के लिए है कड़ी नीम और सरसों, जिसे मैं तड़के में डालूंगी। अभी मैं गैस ऑन करती हूँ। जब मेरा कढ़ाई गर्म हो जाए तब मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब मेरा तेल गर्म होने पर अब कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं लहसुन डालूंगी और लाल मिर्च डालूंगी। अब इसको मैं भूनूंगी। जब मेरा लहसुन और मिर्चा भुन जाए तब मैं इसमें चने की दाल डालूंगी। इस चटनी को आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी चटनी है। इसको एक बार दोस्तों जरूर बनाएं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा दाल पक रहा है। अब ये ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। इसको इतना भूजिए जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और ये काफी सूंधा सूंधा अच्छा लगता है। कम पका रहता तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छी तरह से भूंजे और इसको हमेशा चलाते रहें ताकि ये जले ना। अब ये मेरा भून चुका है दाल अच्छी तरह से। अब इसको मैं एक कटोरे में निकालती हूँ। पानी डालूंगी। पानी में इसमें डालूंगी कि हमारा दाल जो है अच्छी तरह से भीग जाए। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाए। ये चना मेरा चने की दाल फूल गई है अच्छी तरह से। इसको पानी सहित ही मैं इसमें डालूंगी। पानी अपने अंदाज से आप कर लीजिएगा, वैसे हमारे लिए इतना पानी सही है। अब इसको मैं पीस लेती हूँ अच्छी तरह से। Thank you.
अब ये मेरा चने की दाल अच्छी तरह से पिस गई हुई है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पिसना पड़ता है क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है जाकर के और अच्छी तरह से पिसता नहीं है, इसलिए इसमें हमने थोड़ा पानी डाल करके पीसते हैं। अब मेरा थोड़ा सा और बच गया है, इसको भी मैं फाइनली पीस लेती हूँ। अब देखिए ये मेरा पिस गया है। अब ये देखिए मेरा अच्छी तरह से चटनी इसकी पिस गई है। अब इस चटनी को हम तड़का लगाएंगे, इसको ये मैं पानी लेती हूँ, इसको मैं गर्म करती हूँ। जब मेरा पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। तड़का के लिए मुझे कड़ी पत्ता और राई की जरूरत है। मेरा पैन गरम हो गया है, मैं इसमें 2-3 चम्मच में तेल डालूंगी और उसको अच्छी तरह से गरम करूंगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा सरसों के दाने डालूंगी। जब सरसों का दाना कटक जाए अच्छी तरह से तब इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत तेज चटकता है, इसलिए सावधानी से डालें और अपने सेफ्टी के लिए प्लीज। अच्छी तरह से इसके तड़के भून चुके हैं, अब इसको मैं इस चटनी में डालूंगी। चटनी में डालने से पहले आप सावधानी रखें क्योंकि तेज इसको डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, जो कि पहले मैंने नमक नहीं डाला था, इसलिए चटनी को पीसने के बाद नमक डालूंगी और अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डालिए। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालिए, कुछ लोग नमक हल्का खाते हैं और कुछ लोग नमक तेज खाते हैं, इसलिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब इस चटनी को हम अच्छे से मिक्स कर दें जिससे हमारा नमक अच्छी तरह से मिल जाए। ये हमारा चटनी तैयार है। अब इसको आप एक प्लेट में सबके लिए निकाल लीजिए और आप इसको इडली डोसा के साथ अच्छी तरह से खा सकते हैं। अब मैं इडली इसके बाद बनाऊंगी और जो तो दूसरे पार्ट में आपको मैं दिखाऊंगी।